हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग अप्रोच विद रेफरेंस टू हर्बर्ट साइमन तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को को हर्बर्ट साइमन जाना जाता है उनके वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए विच विड रिटन इन सेवन अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन अ थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन

हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था जो कि था हाउ डिसीजन इज टेकन एंड द प्रोसेस ऑफ एक्शन पहला पार्ट था कि डिसीजन कैसे लिया जाता है और दूसरा पार्ट था जब उस डिसीजन को एक्शन में लाया जाता है यानी कि इंप्लीमेंट कर दिया जाता है इसका एग्जाम्पल है फॉर्मुलेशन एंड एडोप्शन ऑफ जनरल पॉलिसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है फॉर्मुलेट की जाती है वो पहला पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग का और जब उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है इंप्लीमेंट कर लिया जाता है वो होता है सेकेंड पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग का सो डिसीजन मेकिंग फॉर हर्बर्ट साइमन कंसिस्टेड ऑफ हाउ डिसीजन इज टेकन एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड द प्रोसेस ऑफ एक्शन डिसीजन कैसे लिया जाता है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है अब हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को वैसे तो हम स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं बट ये स्टेजेस साइमन द्वारा दी गई है हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग की तीन स्टेजेस बताई थी जिनमें की सबसे पहली स्टेज थी इंटेलिजेंस एक्टिविटी स्टेज इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड To to a इस स्टेज में प्रॉब्लम को पहचाना जाता है और उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए जा सके सेकेंड स्टेज आती है डिजाइन एक्टिविटी स्टेज आफ्टर द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड वन स्टार्ट्स टू लुक फॉर सुटेबल कोर्सेज और स्ट्रैटेजीज और ऑल्टरनेटिव टू दोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इच इस स्टेज में अल्टरनेटिव्स या विकल्प निकाले जाते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें एंड हर एक ऑल्टरनेटिव के फायदे एंड नुकसान देखे जाते हैं थर्ड स्टेज आती है चॉइस एक्टिविटी स्टेज इन दिस स्टेज इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल एंड अ डिसीजन इज टेकन आफ्टर एग्जामिनिंग द अल्टरनेटिव्स एंड द मोस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इज सिलेक्टेड इस स्टेज में सभी ऑल्टरनेटिव्स का मूल्यांकन किया जाता है या इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके बाद सही विकल्प को चूज किया जाता है। This stage requires skills such as judgment, creativity, quantitative analysis, and experience in the decision-making process. इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन करने के लिए बहुत सी क्वालिटीज की जरूरत होती है जैसे कि प्रॉपर जजमेंट, या क्रिएटिविटी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको एनालिसिस करना आना चाहिए एंड एक्सपीरियंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ये क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती है इस स्टेज पर सो वर द स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन हर्बर्ट साइमन ओपाइंड दैट ईच डिसीजन हैज टू कॉम्पोन हर्बर्ट साइमन का मानना था कि हर डिसीजन के दो कॉम्पोनेंट होते हैं पहला होता है वैल्यू कॉम्पोनेंट और दूसरा होता है फैक्ट कॉम्पोनेंट वैल्यू कॉम्पोनेंट इज अ प्रोपोजिशन विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड एंड कांट बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स सबसे पहले तो वैल्यू का मतलब होता है मूल्य वैल्यू कॉम्पोनेंट डिसीजन का वो पार्ट होता है जो मेजर नहीं किया जा सकता या क्वान्टिफाई नहीं किया जा सकता जैसे कि क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी काइंडनेस या गुड एंड बैड इन क्वालिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते और ना ही हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि वैल्यू सबकी पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होती है नेक्स्ट आते हैं फैक्ट कॉम्पोनेंट फैक्ट को आपको पता ही होगा कहते हैं तथ्य सो फैक्ट कंपोनेंट्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स साइंस एज पर साइमन इज कंसर्न विद फैक्ट्स एंड नॉट वैल्यूज फैक्ट कॉम्पोन वो पार्ट्स होते हैं एक डिसीजन के जो कि वेरीफाई किए जा सकते हैं कि क्या वो सही है या गलत उनको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं या मेजर भी कर सकते हैं और साइमन के अकॉर्डिंग साइंस जो होती है वो भी फैक्ट्स पर बेस्ड होती है ना कि वैल्यूज या मूल्यों पर सो so साइमन का मानना था कि डिसीजन शुड बी बेस्ड मोर ऑन फैक्ट्स देन वैल्यूज डिसीजन जो है वो मूल्यों से ज्यादा फैक्ट्स पर यानी कि तथ्यों पर आधारित होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के परस्पेक्टिव में साइमन ने टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बताए थे जो कि थे प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग ये टाइप हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं सो द फर्स्ट टाइप इज प्रोग्राम डिसीजन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वो जो रूटीन एंड रेपिटेटिव डिसीजन होते हैं ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन बेसिस में लिए जाते हैं अ डेफिनेट प्रोसीजर इज फॉलोड इन डीलिंग विद डेम इनसे डील करने के लिए एक डेफिनेट प्रोसीजर मौजूद होता है सेट एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट टू हाउ दे हैव बीन डेल्ट इन द पास्ट क्योंकि पास्ट में भी इन प्रॉब्लम से डील किया जा चुका है ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए एंड कैन बी डेलीगेटेड टू लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि प्रोग्राम डिसीजन में रूटीन डिसीजन आते हैं ये हम लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन को भी डेलीगेट कर सकते हैं फिर आते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन विच आर नॉन रेपिटेटिव इन नेचर इस तरह के डिसीजन डेली रूटीन में नहीं लिए जाते दे आर डायरेक्टेड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये या चुनौतीपूर्ण प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड होते हैं देर इज नो प्रॉपर मेथड फॉर हैंडलिंग द प्रॉब्लम बिकॉज इट बिफोर इनसे डील करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कभी भी पास्ट में आए ही नहीं है एंड आर कैप्ट एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि इनका रिलेशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने से है तो इस तरह के डिसीजन को हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा ही लिया जाता है सो so ये होते हैं प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग का एक मॉडल दिया था जिसे कहा जाता है बाउंडेड रेशनैलिटी इस मॉडल को लिमिटेड रेशनैलिटी भी कहा जाता है रेशनैलिटी का मतलब होता है तार्किकता और लिमिटेड रेशनैलिटी का मतलब क्या होगा सीमित तार्किकता सो इट इज अ अ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर टेक्स डिसीजन इस सिद्धांत के अनुसार एक डिसीजन मेकर सैटिस्फाइसिंग डिसीजन लेता है सैटिस्फाइसिंग वर्ड अंग्रेजी के दो शब्द सैटिस्फाई और सफाई से मिलकर बना है सैटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट और सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त सो सैटिस्फाइसिंग वर्ड का हिंदी में मतलब होता है संतोषजनक तो बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल के अनुसार एक डिसीजन मेकर जो है, वो सिर्फ एक सैटिस्फाइसिंग या संतोषजनक डिसीजन ही ले पाता है ना कि एक बेस्ट डिसीजन डिसीजन में नॉट बी द बेस्ट और मैक्सिमाइजिंग बट सैटिस्फाइसिंग डिसीजन बेस्ट नहीं हो सकते लेकिन वो सैटिस्फाइसिंग होंगे वो संतोषजनक होंगे आउट ऑफ ऑल द ऑल्टर अवेलेबल द द बेटर वन वन एंड नॉट बेस्ट इज जो डिसीजन लिया जाता है वो जो सभी विकल्प अवेलेबल होते हैं उनमें से बेटर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया जाता है एंड नॉट द बेस्ट वन हर्बर्ट साइमन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन इन कॉन्ट्रास्ट टू द इकोनॉमिक मैन कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लासिकलिस्ट अ डिसीजन मेकर कैन टेक बेस्ट और मैक्सिमाइजिंग डिसीजन हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि क्लासिकल थ्योरिस्ट द्वारा दिए गए इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग था या उसके अगेंस्ट था अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक मैन कॉन्सेप्ट या मॉडल अ डिसीजन मेकर टेक्स द बेस्ट डिसीजन इकोनॉमिक मैन कॉन्सेप्ट जो दिया गया था क्लासिकलिस्ट द्वारा ये मानता था कि एक डिसीजन मेकर जो है वो बेस्ट डिसीजन लेता है या मैक्सिमाइजिंग डिसीजन लेता है मैक्सिमाइजिंग होता है अधिकतम और जो साइमन का कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था कि एक डिसीजन मेकर कभी भी बेस्ट डिसीजन ले ही नहीं सकता वो जो डिसीजन लेता है वो बाकी अवेलेबल ऑप्शन से एक एक बेटर ऑप्शन ऑप्शन होता होता है होता है इसलिए साइमन के कॉन्सेप्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मैन कहा जाता है साइमन स्टेट्स दैट देयर कैन नेवर बी अ वन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन एज टेटेड बाय क्लासिकल थरिस्ट एज इन रियलिटी

या ऐसा भी हो सकता है कि उसको बेटर ऑप्शंस या विकल्पों का पता ही ना हो उसको अवेयरनेस ही ना हो सो so, इसलिए कभी भी बेस्ट डिसीजन नहीं लिया जा सकता सो डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी और लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो डिसीजन लिया जाता है वो किस प्रिंसिपल पर लिया जाता है बाउंडेड रेशनैलिटी के प्रिंसिपल पर यानी कि सीमित तार्किकता के प्रिंसिपल पर क्योंकि देर आर लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी ंग कॉम प्रॉब्ल ह्यूम या व्यक्ति की क्षमता लिमिटेड होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में सो दिसन टेकन बायमिनिस्ट्रेटिव एंड द बेस्ट चॉइस एज पर हिज नॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति द्वारा डिसीजन दिया जाता है वो सैटिस्फाइसिंग होता है या संतोषजनक होता है राधर देन मैक्सिमाइजिंग या अधिकतम और ये उसकी बेस्ट चॉइस होती है उसकी नॉलेज के अनुसार नाउ लेट्स डिस्कस द रीजन फॉर बाउंडेड रेशनैलिटी ऐसे क्या रीजन थे जिनकी वजह से एक डिसीजन मेकर टोटल रेशनैलिटी की बजाय बाउंडेड रेशनैलिटी का ही प्रयोग कर पाता था या सीमित तार्किकता का ही प्रयोग कर पाता था और ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से एक डिसीजन मेकर बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाता था बल्कि एक सेटिस्फाइसिंग डिसीजन ही ले पाता था सबसे पहला रीजन था इन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एज वेल एज लिमिटेड कैपेसिटी टू एनालाइज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन कभी कभी डिसीजन मेकर के पास इन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होती थी आधी अधूरी जानकारी होती थी, होती थी थी या लिमिटेड कैपेसिटी लिमिटेड क्षमता होती थी प्रॉब्लम को एनालाइज करने की इस वजह से वो पूरी तार्किकता का प्रयोग नहीं कर पाते थे फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट कंस्टेंस डिसीजन मेकर के पास समय की और कॉस्ट की कमी होना द नेक्स्ट रीजन वॉज द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द डिसीजन मेकर कई बार डिसीजन मेकर की अपनी ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता था पूरी तरह से तार्किक होकर सोच पाना अनदर रीजन वॉज दैट द ऑल्टरनेटिव कैन नॉट बी ऑलवेज रैंक इन एन ऑर्डर प्रेफरेंस कई बार ऑल्टरनेटिव को या विकल्पों को रैंक कर पाना मुश्किल हो जाता है एक प्रेफरेंस में सो so, ये भी एक रीजन है बाउंड रेशनैलिटी का

अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंड्री रेशनैलिटी इज ऑर्गेइजेशनल फैक्टर्स लाइक प्रोसीजर्स रूल्स चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एटसेट्रा एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन रोकते हैं डिसीजन मेकर को बेस्ट डिसीजन लेने से एंड द लास्ट फैक्टर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन कई बार कम्युनिकेशन की कमी से एक व्यक्ति या डिसीजन मेकर बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाता बल्कि एक सेटिस्फाइसिंग डिसीजन ले पाता है

सो दैट रेशनैलिटी कुड बी इंप्रूव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तार्किकता या रेशनैलिटी इंप्रूव हो सके इसके साथ ही कंप्लीट होती है हमारी डिसीजन मेकिंग विथ रेफरेंस टू हर्बत साइमन तो आज की वीडियो में इतना ही प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों एंड फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो